डॉलर तारीखी बुलंदी पर, एक ही रोज में 24 रुपए से ज़ायद का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 255 पर पहुंच गया। हुकूमत की मौशी पॉलिसी नाकाम, महंगाई का नया तूफान। दो सौ से नीचे लाने का दावा करने वालों ने डॉलर 240 से ऊपर पहुंचा दिया। इस तबाही की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? असद उमर का सवाल। मुजम्मिल असलम ने डॉलर की ऊंची उड़ान को इब्तिदा करार दे दिया। शेख रशीद ने कहा कि 200 का डॉलर देने वाले अरस्तू डार ने 250 का करने की इजाजत दे दी। पाकिस्तानी मईशत डूबने का खदशा, अमरीकी अखबार का दावा। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, बिजली की बंदिश और ज़रए मुबादला की कमी बड़ा मसला है, पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा ना करना गलती है। मलिक अहमद खान ने कहा कि फवाद चौधरी को धमकियां नहीं देनी चाहिए थी, ये अपने धमकाने को जमहूरियत कहते हैं। जावेद लतीफ ने कहा कि किसी की गैर कानूनी गिरफ्तारी का हामी नहीं, पीटीआई दबाव मिलाकर मर्जी के फैसले करना चाहती है। फवाद चौधरी पीटीआई के हीरो हैं, गिरफ्तारी पर आईन और कानून से खिलवाड़ किया गया। इमरान इस्माइल का रद्दे अमल, कहा इमरान खान को जेल में डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये भी नहीं बचेंगे। फैसल जावेद ने सवाल किया, क्या फवाद चौधरी दहशतगर्द हैं? मीडिया कुछ पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। रहीम यार खान पतोकी और खानपुर में मुजाहरे। रहीम यार खान में स्याह परचम लहरा दिया गया। अरशद शरीफ के कातलों को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पतोकी के नेशनल प्रेस क्लब पर भी एहतजाज। आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोज वायरल करने का केस। अदालत ने दानिया शाह पर पर्दे जुर्माइद कर दी। दानिया शाह का सेहत जुर्म से इनकार। FIA को नोटिस जारी, गवाह तलब। डॉक्टर सारा की लाश मिलने का केस, तफ्तीशी अफसर केस का चालान पेश करने में नाकाम। तफ्तीशी अफसर ने मजीद मोहलत मांग ली, आइंदा समाअत पर केस का चालान पेश करने का हुक्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 मॉनसून को भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।